कौन से चावल बना रहे हैं? आलू वाले है? मैंने तो खुला था चिकन वाले बनाए। ठीक है चलो ठीक है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल है? ठीक है, मैं भी खैरियत से हूँ अल्लाह के फजल से, आप भी खैरियत से। आज मैंने शुरू किया है व्लॉग क्योंकि बेगम साहब थोड़ी थकी हुई हैं तो वो फिर आ जाएंगी बाद में, तो मैंने कहा चलो मैं तो वीडियो शुरू करता हूँ आपके साथ, तो आपको दिखाते हैं सारा मौसम भी चेक करवाएं, और नीचे जो है ना वाइट वॉश कर रहा है मिस्त्री, तो वो भी आपको दिखाएंगे। ये देखेंगे व्यूअर्स, इतना प्यारा मौसम है आज, बादल भी हैं थोड़े थोड़े, सुबह तो बहुत ज़्यादा बारिश का समा था, अभी ठीक हो गया, धूप निकल आई है। ये देखें जी मिस्त्री भाई लगे हुए हैं वाइट वॉश कर रहे हैं, ये साइड हमारी हो गई है, इधर लाइट ऑन करें, कितने प्यारा हो गया इधर है, ये प्यारा हो गया। हाँ जी कोल दूजा बजा अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स जी, आप कैसे हैं? हम सब जी अल्लाह पाक का शुक्र है बिल्कुल खैरियत से हैं, उम्मीद करते हैं जी आप भी बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो वैस मैं जी अभी अभी ऊपर आई हूँ, थोड़ी सी जी वो मैं स्कूल से आई थी तो नीचे ही जी मैं बैठी रही थी, थोड़ी तबीयत खराब थी, अभी सब आए हैं तो कहते हैं जी आज मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, मैंने कहा जी आप कर ले। तो ये देखिए जी ऊपर वाइट वॉश वाला भाई भी काम कर रहा था, अभी अभी वो गया, सुबह उसने फिर आना है जी, फिलहाल तो यहाँ से सफाई हो गई है। और ये देखिए जी एक दफ़ा जी फिर से चीज़ें इधर उधर बिखरी हुई हैं, बहुत ज़्यादा जी वो गंद पड़ा हुआ है, साथ साथ हम सीमेंट भी रहे हैं, तो एक दफ़ा तो ये काम होना है जी। तो ऊपर से भी जी माशाल्लाह काफ़ी सफाई हो गई है, दिखाते हैं जी आपको। तो शाम हो गई है जी, तकरीबन 4:30 हो गए हैं जी, और ये देखिए जी सूरज जो है वो इसका चला गया, बहुत ही प्यारा मौसम है जी। और ये सामने देखें जी आज बहुत ही प्यारा जी ट्रैक्टर चला हुआ है ज़मीन पर, बहुत बराबर ये हमारी जी ज़मीन है सामने, इस तरह भी जी बहुत खामोशी सन्नाटा है, इस तरह भी मौसम बहुत अच्छा है, छाँव हो गई है जी इस तरफ, बाजियाँ जी मेरे ख्याल में नीचे है। तो ये देखें जी यहाँ पे भाई का सारा सामान ये वाला पड़ा हुआ है, ये इधर और ये इधर, तो बाकी चीज़ों को कवर करके जी यहाँ पे लाइट ऑन करते हैं। ये देखें जी माशाल्लाह जी काफ़ी ज़्यादा जी ब्राइटनेस आ गई है, छत भी बहुत ज़्यादा नीट क्लीन हो गई है, पंखा वगैरह जी साफ करने वाला जी माशाल्लाह जी। ये देखें और यहाँ से भी देखें जी बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस आ गई है, और उस तरफ भी देखें जी चीज़ें वैसे जी इधर उधर बिखरी हुई हैं वो सेट करते हैं, वैसे जी यहाँ से सारा वाइट वॉश भाई कर गया, किचन जो है वो देखें जी नहीं अंदर से भी उसने किया है सारा, और ये सारे जी हम पर्दे वो वाले पड़े हैं वही लगा देंगे जी, पुराने नहीं आप लगाएंगे, वहाँ से भी जी वो वाइट वॉश करके गया, और इनमें जी हीटर वगैरह पड़े हुए हैं इधर, ये सारी जी सफाई हो गई है माशाल्लाह जी, अब ज़्यादा ब्राइट ब्राइट लग रहा है कमरा। तो भी बस वहाँ पर भी मैंने चावल निकाली, बाजी अभी उधर बैठी है जी, इरमा आई है अभी कॉलेज से तो उसकी रोटी बनी हुई है, मेरे हाथ में उसने नाश्ता किया नहीं, वो नहीं निकाला,
तो नीचे जी काफ़ी सामान बिखरा हुआ है सा, अभी जी कल आना है उसने वाइट वॉश करने आना है ना। हाँ जी आना है जी, उसको अंदर करना सो फिर थले करना सो। अभी दोबारा से जी उसने एक दफ़ा इसको वाइट वॉश करना है और वो फिर उसके बाद जी वो वाला रूम करेगा। ये काफ़ी जी ऊंचाई में है तो इस वजह से जी सारे थके हुए हैं सा सा ये चीज़ें इधर उधर उधर करके। तो भाजी कहती है जी आज सिर्फ चावल बना लेते हैं आलू वाले, ठीक है भाजी। हाँ जी चलिए, मैं जी चावलों को साफ करती हूँ फिर वॉश करती हूँ, फिर आलू ऊपर ही पड़े हुए हैं ऊपर ही जाकर हम पकाएंगे क्योंकि यहाँ पर देखिए बहुत ज़्यादा गंद है। पका के फिर देखते हैं जी ऊपर खाना है नीचे खाना, नीचे जगह नहीं है वहाँ देखिए गंद ही गंद है। तो भी बस चावल जी साफ हो चुके हैं वाश हो चुके हैं जी, अब इसे जी रख देते हैं और बाजी यहाँ पर पराठा बना लेती हैं। तो ये माँ का पराठा बना है जी बंद गोभी वाला। हाँ जी सारा निकल गया बाहर। तो जो भी पराठा बनाना हो तो माँ कहती है जी मुझे आलू डाल दें, मुझे बंद गोभी डाल दें, मुझे पालक डाल दें। ये बंद गोभी देखे जी बाजी ने बनाया बंद गोभी वाला पराठा, सारा गोभी निकल गई है पराठा उधर आ गया। तो ये पराठा देख के तो फिर जी हम ऊपर जा रहे हैं वहाँ पर चल के चीज़ों की कटिंग करते हैं। और आज ही बहुत ही आसान ऐसी बनाई आलू वाली जल्दी पका कर तो जल्दी पारो हो जाएगी। तो ये है जी लस्सी, सुबह जी नाश्ते में बनाई थी इन्होंने, मेरा हिस्सा रख दिया था, मैं जी स्कूल चली गई थी, अब ये लस्सी पीते हैं जी आराम से बैठ कर और फिर ऊपर चले गई। इसमें है लस्सी थोड़ी सी लेने, तो भी बस ऊपर में आ गई हूँ यहाँ पर जी सारी चीज़ें रखते हैं। जहाँ पर शाम हो गई है जी, देखिए जी वहाँ पे सूरज चला गया है, ये देखिए जी सूरज जो है जी गुरूप हो रहा है, बहुत ही प्यारा व्यू है। और ये देखिए यहाँ से हल्का हल्का सूरज नज़र आ रहा है, बादल बने हुए हैं जी बहुत ही खूबसूरत। अभी जी मैंने प्याज और टमाटर कटिंग करनी है, फिर चूल्हे की जिसे यहाँ पे सेटिंग कर दिया, फिर अपनी हंडिया स्टार्ट करते हैं, चावल स्टार्ट करते हैं। तो फिर आलू और प्याज ही मैं ले आई हूँ, अब जल्दी जल्दी से जी इनकी वो छिलके वगैरह उतारते हैं और कटिंग करते हैं। चूल्हे की मैंने सेटिंग कर ली है तो बस जी फिर कटिंग करके तो फिर अपनी रेसिपी स्टार्ट करेंगे। तो अभी मगरब की जी अजान स्टार्ट हो गई है और अभी तक भी आज हमारी ना कोई हंडिया बनी है ना कोई चावल, बस जी मैं बाजी में फिर कटिंग करके फिर साथ नमाज भी पढ़ेंगे और फिर हंडिया भी बनाएंगे। शाम का खूबसूरत व्यू माशाल्लाह, ये देखें जी
यहाँ पे लोग आ गए हैं जी, बैठे हुए हैं यहाँ पे, दूध लेके चले गए जी। बाजमीना मेरे हवे ले आई है, शाम हो गई है जी। जो लाइट हैं जी वो ऑन हो गई हैं, इधर हमने भी जी लाइट ऑन कर ली है, और बाजी वहाँ बैठ कर जी सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो दोरी में बारीक करेंगे। और यहाँ पे देखें जी आलू, ये टमाटर और प्याज की कटिंग हो चुकी है, तो चूल्हे की सेटिंग कर ली है जी, और चावल स्टार्ट करते हैं। तो व्यूअर्स, आलू पुलाव की रेसिपी की जी सारी तैयारी हो गई है, और चूल्हा पहले वहाँ पे रखा था तो हवा जी बहुत तेज जा रही है, इसलिए जी चूल्हा मैंने अंदर कर दिया है ताकि हमारा जल्दी जल्दी पुलाव बन जाए। तो फ्लेम को मैंने ऑन कर दिया, देखें जी अभी बहुत तेज़ हवा चल रही है, चूल्हे से पीछे कर देते हैं। सबसे पहले जी डालते हैं घी, बिस्मिल्लाह करके एक चम्मच डालेंगे जी। तो अभी तक घी गर्म हो चुका है जी, और एक चम्मच डालेंगे जी प्याज। तो भी फिर हमारे जी प्याज फ्राई हो चुके हैं, और ये दो आधे टमाटर हैं जी अपने को डाल देते हैं। तो भी यहाँ पे डालेंगे जी अपने लहसुन अदरक का पेस्ट, ये भी हमने इकट्ठा बना के रखा हुआ है, तो ये दो चम्मच भी हम डाल देंगे। और दूध को जी अभी उबालना है उन्होंने, तो मैं चावल बना लूंगी फिर आप उबाल। और ये रही हमारी सब मिर्चे, तकरीबन चार से पांच अदर है जी, अब इनको डाल देती हूँ जी। ये जो दोरी में हमने बारिश हुई, अब डालेंगे जी इसमें अपने मसाला जार, डालेंगे जी एक चम्मच नमक, एक चम्मच ये और डाल देते हैं, क्योंकि जी हमारे अक्सर बहन भाई कहते हैं कि आप जितने ज़्यादा मर्जी चीज़ बनाए चम्मच नमक एक ही डालती है, तो चख कर जी हम और भी डाल लेते हैं, लेकिन उस वक्त इतना टाइम नहीं होता कि हम आपको बताएं। ये देखिए जी आज मैंने दो चम्मच नमक डाला है, एक चम्मच मोटी कुटी सूख मिर्च, आधा चम्मच हल्दी, और आधा चम्मच पिसा और सूखा धनिया। अब यहाँ पे डालेंगे जी आलू, और आलू के देखिए जी हमने इस तरह कटिंग की हुई है, और ये है जी तकरीबन तीन पाव, बिस्मिल्लाह करके जी डाल देंगे। तो अभी आलू जी हमारे फ्राई हो चुके हैं, यहाँ पे डालेंगे जी इमली, ये पानी में जी हमने भिगो के रखी हुई है, अब इसी तरह जी डाल देंगे। तो व्यूअर्स, आलू और मसाला भी हमारा बहुत अच्छे तरीके के साथ फ्राई हो चुका है, और यहाँ पे डालेंगे जी पानी, पानी है जी दो किलो, क्योंकि एक किलो हमारे चावल है। चलिए जी अब उबाल आएगा तो बाजी आकर जी बाकी के वो जो चावल वाला शॉट है बाजी देंगे। हाँ जी, पक गया चावल अभी? नहीं, बस उबाल आ रहा है। उबाल चल गया, वाईफाई जो है वाईफाई चल गया। चलो शुक्र है जी, बोर्ड लगा लें और शुरू कर दें अपलोडिंग वगैरह का। दूसरा बंद कर दे, पीटीसी वाला वो बंद कर दें। चलो सही, खीरा ले आए? हाँ जी, तो वो देख लिया ना। अच्छा अच्छा, सॉरी बाजी ले आइए, सही है, बस ये बताने आए थे। हाँ नहीं बताने, वो अभी लगा के गया कोर्ट। अच्छा, आज कौन से चावल बना रहे हैं? आलू वाले हैं, मैंने तो कहा था चिकन वाले बनाए। चिकन मैंने कहा चले कल हंडिया में डाल लेंगे। चिकन वाले रात ही खाता नहीं। अच्छा, चिकन खा लिया था रात को, खा लिया। हाँ ठीक है, चलो जी उबाल आ गया जी पानी को, तो यहाँ पे डालते हैं जी चावल। और ये हैं जी साबुत मसाले, गरम मसाले, जीरा, बादियान का फूल, लौंग, दालचीनी, तेज़पात, मोटी इलायची और जी काली मिर्च। और यहाँ पे डाल देते हैं जी चावल, एक किलो चावल है जी। आज बाजी खाना लेट हो गया है, सारी दिहात कम लगे रहे हैं, चूने वाला आया रहा, वो हो गया है। हाँ जी, नीचे वाला पोर्शन खाली नहीं था, कभी चीजें अंदर निकाल कभी बाहर, सारे काम लगे रहे हैं। हबीब साहब नेट लगवाते रहे हैं,
चलो शुक्र है नेट वाला मसला हल हो गया। हमारा जी नेट जो था वो घर वाली जो हमारी वीडियो है वो अपलोड नहीं करता था। क्यों बीबी अब ठीक हो जाएगा? गारंटी दौड़ेगा। अच्छा दौड़ेगा, ये तो आप कल अपलोड करेंगे ना फिर पता चलेगा। रात हो गई है जी, देखें जी हमारा गांव जो है वो रोशनियों में डूब चुका है माशाल्लाह। बहुत प्यारा गांव, हर तरफ अंधेरा अंधेरा। इधर जी बाजी मीना बैठी हैं, सारे आंदे ने बाजी ना भी कोई गल करया करो। अज सारा दिन बाजी भी जी मसरूफ रही हैं, सारा काम हो गया रहे हैं। हाँ जी, चीज़ें अंदर बाहर निकालते रहे हैं और चादरें वगैरह अभी वो सारी वाश की हैं, वो तो कल ही काली। बस जी ये बाजियाँ आजकल घर होती हैं तो ये वाले काम इनके होते हैं। मैं तो सुबह चली गई थी जी ब्लॉग बनाकर स्कूल, फिर आई हूँ तो फिर ये खाना पकाना। बस खाना तैयार होता है तो फिर नीचे चलते हैं। बाजी यहाँ पे नमक डाल रही हैं। नमक काट सी ना। अच्छा नमक देखे जी अब और डाला है। फिर कहते हैं जी डेढ़ चम्मच और पाया। अच्छा कितना हो गया? हाँ आलू मिर्च नमक पी लेंगे। सही, यहाँ से देखे जी हमने चार पाइयाँ हटा दी हैं, वहाँ चले गए हैं अंदर, तो अब ये भी जी हटा देंगे आहिस्ता आहिस्ता। ठीक है ना, आहिस्ता आहिस्ता सारी सेटिंग हो जाएगी। चले जी दम लग गया और ये हैं जी सब्ज मिर्चें, अब इनको जी डाल देते हैं। 15 मिनट का दम होगा और साथ ही अब खीरे की कटिंग कर लेते हैं। चूल्हा जी हमने साइड पे कर दिया है और यहाँ पे जी हम बिछाने लगे हैं चटाई, खाना लगाते हैं जी। दम मेरे ख्याल में जी अब खुलने वाला है। तो अभी बार 10 हाँ जी हमने वहाँ पे लगा दी है और अभी जी दम लगा हुआ है चावलों को। बाजी यहाँ पे जी दूध को बॉयल कर रही है, तो जो ही जी ये बॉयल कर लेती हैं उस वक्त तक दम भी लग जाएगा, फिर हम उधर बैठ के जी खाना खाएंगे। मौसम बहुत अच्छा है जी, मैंने सोचा था नीचे जाकर खाना खाना है लेकिन वहाँ तो बहुत सख्त जी गंद पड़ा हुआ है। अभी सुबह भाई नहीं खाना है वाइट वॉश करने, तो हबीर साहब भी कह के गए कि ऊपर ही खाना खाएंगे। बाजमीना ने जी दूध को उबाल लिया है तो मेरे ख्याल में जी दम भी लग चुका है। बाजी चलें जी, चलें जी हबीब साहब भी आ गए हैं जी, इनको मैंने कॉल की है कि जल्दी जल्दी आ जाए। चलें जी चावल जो है वो तैयार हो गए हैं। चलें जी बिस्मिल्लाह करके जी डालते हैं खाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलो जी आलू पुलाव की बहुत अच्छी खुशबू आई है माशाल्लाह। ओह माशाल्लाह खुशबू आई आप, बहुत जबरदस्त खुशबू आ रही है। आपने तो चिकन वाले चावल खाने थे। ये भी खा लेंगे, चावल सारे खा लेते हैं। मज़ेदार बने, खुशबू आ रही है। चलो जी बिस्मिल्लाह करके जी डालते हैं प्लेटों में। माशाल्लाह ज़बरदस्त लुक है जी। चलो जी बाजी भी आ गई है। माशाल्लाह जी लुक से देखें जी, एक एक दाना खिला हुआ है, ज़बरदस्त चावल बने हैं माशाल्लाह। और ये देखें जी चार प्लेटों में बाजी ने चावल डाल दिए हैं जी।
और करीब से जी आपको लोग दिखा देते हैं। और ये साथ जी खीरे भी हैं और ये साथ अचार है जी, हबीब साहब का फेवरेट। तो खाना सामने आ चुका है जी, और बिस्मिल्लाह करके जी खाने का टेस्ट करते हैं और बताते हैं जी आपको खाना किस तरह बनाना। टाइम थोड़ा सा जी, तो इसलिए वो रायता नहीं बनाया, सलाद सॉरी जी दूसरा खीरे में आए थे। बहुत जबरदस्त टेस्ट आ रहा है। खाते हैं जी, रात से जा चाहते हैं, आज ही ऊपर बहुत प्यारा मौसम है और ठंड ठंड लग रही है। नीचे वाले पोर्शन में जी हमें गर्मी लगती है, क्योंकि हवा वहाँ पे जी हवा जो है वो थोड़ा क्रॉस हो गया है, ऊपर से बंद हो गया है, वहाँ से सिर्फ हवा आती है ऊपर से ही है मौसम। यहाँ पे हम बैठे हुए थे जी काफी देर से, दिल निकाला नीचे जाने को, तो वहाँ से दिखाएंगे तेज हवा चल रही है। माशाल्लाह जी, अब दिक्कत है यहाँ पे सोए लेकिन ठंड हो गई है। तो मैं आप खाना खाती है जी और आपसे जा चाहते हैं, हस्बैंड वाइफ रिक्वेस्ट होती है चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दीजिए। और हमारे जितने भी बहन भाई दोस्त अब आप हमारी वीडियो को वॉच करते हैं, जो नहीं भी करते जी सब प्लेज अल्लाह पाक के ज़्यादा फरमाए सबको सीखो काम से आमीन। तो सबसे पहले जितना अच्छा खाना खाने पर जी अल्लाह पाक का जरूर शुक्र अदा करते हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो ठीक है व्यूअर्स, इसके साथ ही हमें इजाज़त दें, ओके अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।